वो लेके भाग गई यार रहमत भाई के कुत्तों अंधेर नगरी है ये मुझसे से गरीब कमजोर में दिखाओगे अपनी मर्दानगी हाय गाइस थैंक यू टू गॉड योर बस्टर शौकत माफी मांग मैक्सिमम एक थप्पड़ का और यहाँ से निकले सिरो को महिला मंडल वाले लग रहे हैं एक थप्पड़ पे रुकेंगे नहीं और बंद सनी दो इस वीडियो में बात करते हैं हम इरफान खान की फिल्म कारवां के बारे में और उसके बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस के बारे में तो दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पूरा देखिए कारवन एक कॉमेडी ड्रामा फिल्म थी जिसको रिलीज़ किया गया था तीन अगस्त दो को इस फिल्म में हमें नज़र आए थे इरफान खान दुलारे सलमान मिथिला पालकर फिल्म की स्टोरी लिखी थी बिजो नाम्बैया ने डायरेक्ट किया था आकाश कुराना ने प्रोड्यूस किया था रोनी स्क्रूवाला ने और प्रीति राठी गुप्ता ने फिल्म के अंदर म्यूजिक दिया था प्रतीक कुहार अनुराग शक्रिया इमाद शाह और श्लोचिता ने और फिल्म के अंदर टोटल सात गाने थे छोटा सा फसाना सांसे, ढाई किलो बकवास कदम बढ़ दे हमारा ग्लास और हार्ड केक। इन सभी गानों के लिरिक्स लिखे थे आकाश खुराना प्रतीक कोहाड़ और स्लोचिता ने और फिल्म के इन सभी गानों में अपनी आवाज़ दी थी अरजीत सिंह प्रतिक कुहार सभा आजाद अनिश जॉन संजय कुमार नायर स्लोचिता और पापौड़ ने अब बात करते हैं फिल्म के बजट और बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस के बारे में फिल्म का बजट रखा गया था तेईस करोड़ रुपये और फिल्म ने इंडिया में कलेक्शन किया था चौबीस करोड़ चौंसठ लाख रुपये और वर्ल्ड वाइड इसने कलेक्शन किया था एक करोड़ अठहत्तर लाख रुपए और ये एक एवरेज हिट फिल्म साबित हुई थी और फिल्म कारवान को सेवन पॉइंट फाइव आउट ऑफ टेन रेटिंग मिली हुई है और रोडन टोमेटो की तरफ से सेवन पॉइंट एट मिली हुई है तो अब बात करते हैं फिल्म से जुड़े कुछ अन फैक्ट के बारे में कारवा फिल्म की शूटिंग ऊटी कोची केरल और बेंगलोर में की गई हुई है इरफान खान के अलावा दुलारे सलमान और मिथिला पार्कर ये दोनों बॉलीवुड में नए चेहरे थे फिल्म कारवान के साथ और दो फिल्में रिलीज़ हुई थी एक थी मुल्क और दूसरी थी फन्ने खान पर मुझे इन तीनों फ़िल्मों में कारवा फ़िल्म ज़्यादा पसंद आई थी आप लोगों को ये फिल्म कैसी लगी थी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं